कि आज से 250 वर्ष पहले जो फ्रांस में हुआ था वो आज भी आपको देखने को मिलेगा, आपके घरों में देखने को मिलेगा और आसपास के सोसाइटी में भी देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्रांस के लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, और मिडिल क्लास का कैसे इमर्जेंस हुआ, उसके बाद से जो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज को जो प्रिविलेज राइट मिला हुआ था उसको खत्म करने की जो डिमांड है, जो इमेजिनेशन है या इन्विजेज है, वो यहीं से शुरुआत हुई थी। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आर रवि, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं। आज से 2 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले नहीं जाएंगे, 2 वर्ष पहले जाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष पहले बहुत बड़े सिनेरियो को हम लोग देख चुके हैं। COVID-19 को हम लोग बहुत अच्छी तरह से झेल चुके हैं, कैसे COVID-19 ने दहशत फैलाया हुआ था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, इसके टच में नहीं जाना है। हम लोग घर में भी रहते थे तो कोई उस कमरे में रहता था, कोई उस कमरे में रहता था, कोई डाइनिंग हॉल में रहता था, कोई बाथरूम में रहता था। इस तरह से रहकर हम लोगों ने 1 साल गुजारा है। आप लोगों ने कैसा गुजारा था कॉमेंट में बताओ। तो हम लोग कोरोना को बहुत अच्छी तरह से देखे हैं, उसको आंखों से देखे हैं और अपने कान से सुने हैं और आंख से ऑब्जर्व किए हैं और देखे हैं। फ्रांस में क्या हुआ था उसको तो हम लोग देखने नहीं गए थे। लुईस 16 ने किसानों के ऊपर क्या क्या अत्याचार किया हुआ था उसको तो हम लोग देखने नहीं गए हैं। हाँ, ये जानते हैं कि उसने ये काम किया था, उसने ये अत्याचार किया था, फ्रांस में ऐसा ऐसा हुआ था। हम लोग कैसे पता करते हैं, तो जो बुक्स में रिटेन मिलता है उसके हिसाब से हम लोग ये इमेजिंग करते हैं कि फ्रांस में ऐसा हुआ होगा। लेकिन कोरोना के टाइम में जो हुआ था उसको तो हम लोग देखे हुए हैं, उसको तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किए हुए हैं। यहाँ पे देखो कोरोना में क्या हुआ था कि जब लॉकडाउन लगा तो जितने भी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर थे वो अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ मार्च करना शुरू कर दिए। लेकिन पूरे इंडिया भर में सामान की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि सब कोई घर पे था। अब घर पे था तो पहले वही बंदा 1 दिन में 3 बार खाता था, आज जब घर पे रहने लगा तो 1 दिन में 6 बार खाने लगा। इसका मतलब कि सामान की डिमांड बढ़ने लगी। अब यहाँ वर्कर पहले ही से घर आ चुके थे, आने की वजह से जितने भी फैक्ट्री थे या जितने मैन्युफैक्चरिंग हब थे वो बंद हो गए थे, लेकिन मार्केट में सामान पहुँच नहीं रहा था। और जितने भी मार्केट में सामान थे उसके डिमांड बढ़ने लगे। डिमांड बढ़ने से हो क्या रहा था कि जो भी सामान थे मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ने लगी। अब प्राइस बढ़ने से क्या हुआ कि जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे उनके फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अब लॉकडाउन खुलने के बाद से हम लोग बात करते हैं। लॉकडाउन जैसे जैसे खुला उसके बाद वर्कर गए मैन्युफैक्चरिंग हब में या फैक्ट्री में गए, फिर वहाँ पे उन लोगों ने धीरे धीरे प्रोडक्शन को शुरू किया, सामान मार्केट में पहुँचने लगा। लेकिन मार्केट में सामान जो पहुँच रहा था उसकी प्राइस 2 गुना ज़्यादा हो गई थी। जो सामान पहले मैंने खरीदा था 80 रुपया, उसी तेल को 80 रुपया मैंने खरीदा हुआ था, और जैसे लॉकडाउन खुला उसके बाद से उस तेल को मैंने खरीदा 180 रुपया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, उस तेल में 100 रुपया का इजाफा हो गया, 100 रुपया की बढ़ोतरी हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था कि हो गया? तो देखो वर्कर जा रहे थे लेकिन पूरे सफिशियंट अमाउंट में नहीं जा रहे थे, सफिशियंट नंबर में नहीं जा रहे थे, वो धीरे धीरे जा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद से सामान की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी, इसकी वजह से सामान के जो प्राइस है वो भी बढ़ने लगे। और इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो भी मिडिल क्लास के लोग थे उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, और जो बिलियनर थे वो और बिलियनर होते चले गए। जितने भी बिलियनर थे वो और ज़्यादा बिलियनर होते गए। सेम टू सेम यहाँ पे फ्रांस में भी देखेंगे, फ्रांस के लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे थे उसको हम लोग देखेंगे। 1715 में जो फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 2 करोड़ 30 लाख थी, और 1789 में फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 2 करोड़ 80 लाख। इसका मतलब कि 50 लाख पॉपुलेशन बढ़ी थी 74 साल में। अब यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा था। जो पहले से मैन्युफैक्चरिंग हब थे उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ था, उसका नंबर नहीं बढ़ाया गया था। जो पाव रोटी की जो डिमांड थी, माने पाव रोटी के जो मैन्युफैक्चरिंग हब थे वो भी पहले से लिमिटेड थे, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ रही थी। अब पॉपुलेशन, अब जाहिर सी बात है कि अगर जो सामान मार्केट में कम रहेगा और खाने वाले ज़्यादा होंगे तो उस सामान की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी,
अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो। सपोज करो कि एक मार्केट में 10 पीस आम है और खरीदने वाले 20 हैं, तो उस आम की प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। अगर फिर मार्केट में 10 पीस आम है, खरीदने वाला एक है, तो उस सामान की प्राइस घटेगी? बिल्कुल घट जाएगी। वहां पे हो क्या रहा था कि पॉपुलेशन बढ़ रहा था लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाला पाव रोटी है, उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी, उसका प्राइस भी बढ़ने लगा। अब यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलता है फ्रांस में कि जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनका वेतन 1715 में भी 500 रुपया था। हम लोग 500 रुपया मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 500 रुपया था समझने के लिए, और 1789 माने 1789 में भी उनका सैलरी 500 रुपया था, ये भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे सामान पहले के तुलना में यहाँ पे सामान बढ़ गए थे, माने सामान के प्राइस बढ़ गए थे, लेकिन जो वर्कर थे उनका सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से दो चीज देखने को मिला, अमीर अमीर होते गए और गरीब गरीब होते गया। यहाँ पे दो चीज देखने को बहुत अच्छी तरह से हम लोग को फ्रांस में देखने को मिलता है। उसके बाद से यहाँ पे एक और चीज और भी चीज देखने को मिला कि एक तो महंगाई बढ़ रही थी, किसानों की स्थिति वैसे ही खराब हो रही थी, क्योंकि वेदर की खराब कंडीशन होने की वजह से, ओले पड़ने की वजह से, हीट वेव आने की वजह से जो भी किसान के फसल थे वो बर्बाद होते गए, धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन कम हो गया, रोजमर्रा की जिंदगी में सामान जो यूज होते थे उसकी क्राइसिस होने लगे। और इन सभी को, ये जितने भी सिनेरियो है उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जितने भी, जैसे कि सामान का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फसलें खराब हो गई हैं, वेदर का कंडीशन खराब होने की वजह से फसलें पूरी तरह से नुकसान हो गई हैं, और जितने भी सामान पहुंच रहे हैं उसके डिमांड बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ गया है, इसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा फ्रांस में जो लोग थे वो इस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। मैं पढ़ता था ना, तो उस टाइम में जब मेरे हिस्ट्री के टीचर आते थे क्लास में एंट्री करने के बाद से या तो किसी बंदी को खड़ा कराएंगे या किसी बंदे को खड़ा कराएंगे। खड़ा कराने के बाद से उसको बुक दे देते थे और बोलते थे पढ़ो, अब हिस्ट्री को उसको पढ़वाते थे। सपोज करो कि पढ़ते पढ़ते बीच लाइन में कोई आ गया, 1789 ये डेट आ गया, अब उसको क्या करेंगे, तो वो बोलेंगे कि इसको नोट कर लेना, एग्जाम में यही आएगा। बस इतना ही काम करते थे। हमको ना 9th में सही से सोशल साइंस समझ में आया, ना 10th में सही से समझ आया। वो ऐसा मास्टर था कि ना समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसका पढ़ाने का अजीब तरीका था, सिर्फ खाली पढ़ देता था और जो इम्पोर्टेंट जैसे डेट हुआ उसको नोट करा देता था। तो उसने में लगता था यार हिस्ट्री कितना हार्ड है, सोशल साइंस कितना हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैथ से भी हार्ड लगता था, क्योंकि वो टीचर ही नहीं मिलता था कि वो उसको बहुत अच्छी तरह से समझा सके। लेकिन कोई बात नहीं, अब समझ में आ रहा है, अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मिडिल क्लास के जो लोग थे वो कैसे इमर्ज कर रहे थे और प्रिविलेज राइट था उसको खत्म करने के बारे में किन लोगों ने सोचा। मिडिल क्लास कैसे इमर्ज किए उसके पहले हम लोग जानते हैं कि जो सरकार के खिलाफ, लुई 16 के खिलाफ 18th century में जो किसान थे और जो वर्कर थे, जो फार्मर थे वर्कर थे, उन लोगों ने भी बहुत पहले प्रोटेस्ट कर चुके थे। अब देखो, वो लोग प्रोटेस्ट किए थे लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हुए। रीजन क्या था? वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, वो सोशली रूप से स्ट्रांग नहीं थे। यहां दो बात आप ध्यान दो, फाइनेंशियली रूप से और सोशली रूप से स्ट्रांग होना आज के भी समय में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है किसी भी व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए। आप देखो अपने सोसाइटी में ही देखो कि सोसाइटी में जो भी फैमिली अगर जे फाइनेंशियली रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर है, उसको हर कोई टॉर्चर करता है, उसको सही जगह बैठने नहीं दिया जाता है, उसको सोसाइटी में उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। अगर आप उसको और बेहतर से समझने की कोशिश करो तो आप घर में ही देख लो, अगर जो भी घर में सदस्य है, घर में अगर कोई एक सदस्य अगर वो अच्छा कमा रहा है तो उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, और उसी फैमिली में अगर जो कोई एक सदस्य अच्छा कमाता नहीं है तो उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। अब इसको और बेहतर समझो, क्लास में भी देखे होगे कि क्लास में जो बहुत तेज स्टूडेंट रहता है उसको हर कोई रिस्पेक्ट करता है,
हर टीचर आता है तो उसको रिस्पेक्ट देता है, तो और हर टीचर आता है तो उससे बात भी करता है, हर टीचर उसके बारे में बहुत डिस्कस भी करता है, उसको मार्क्स भी अब नहीं हो देना होता है तब भी अपने मन से दे देता है क्योंकि वो पढ़ता है। लेकिन जो नहीं पढ़ता है उसको हर कोई ट्रीट करता है, टीचर भी ट्रीट करता है और स्टूडेंट जो उसके जो कलीग्स होते हैं, जो उसके फ्रेंड होते हैं, वो भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो उतना ज़्यादा तेज नहीं होता है फिर भी बहुत ज़्यादा वो इस सब को झेलता है, कोई भी आता है एक चटा मार के निकल जाता है। आप भी देखे होंगे क्लास में कि जो कमज़ोर होता है उसको हर कोई ठोक के चला जाता है। वैसे ही जो फ्रेंच में था, फ्रेंच सोसाइटी में जो फार्मर थे, वर्कर थे, उन लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। यहाँ सीखने वाले बहुत माने बहुत अच्छा बात है सीखने वाले कि आप भले अपने आप को कुछ भी समझ रहे हो लेकिन अगर आप सोशली रूप से, आप फाइनेंशियली रूप से स्ट्रांग नहीं हो, आपको कहीं भी वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो ये बात जान लो। तो फ्रांस में जो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो लोग कैसे स्ट्रांग बने, माने कैसे अपने आप को ऊपर लाए, तो उन लोगों ने क्या किया, ट्रेड व्यापार करना शुरू कर लिया। उसके बाद से क्या करना, तो उन लोगों ने उलेन के कपड़े बनाना शुरू कर दिए और सिल्क के कपड़े बनाना शुरू कर दिए। अब ये बना तो रहे थे लेकिन इसका डिमांड भी बढ़ रहा था, सिर्फ बना नहीं रहे थे, इसका डिमांड फ्रांस में था ही, फ्रांस के अगल बगल जो देश था वहाँ भी बहुत ज़्यादा इसके डिमांड थे, और एक्सपोर्ट होने की वजह से इनके जितने भी सामान हो रहे थे, बना रहे थे, उसके एक्सपोर्ट होने की वजह से इनकी कंडीशन अब सुधर रही थी। जो थर्ड स्टेट के जो बहुत बड़े रिच लोग होते थे वो भी इनके सामान को खरीदते थे। अब खरीदने से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होने लगी। जो थर्ड स्टेट में जो अच्छे अच्छे प्रोफेशन से लोग बिलोंग करते थे, जैसे कि लॉयर हो गए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गए, इनके अंदर सोचने की क्षमता थी, ये लोग एजुकेटेड माने बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, तब इन लोगों ने अब ये धीरे धीरे समय के अनुसार सोचना शुरू किया कि यार जो ये प्रिविलेज राइट है ना, ये जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको खत्म होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का चुनाव उसके जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस माने ये प्रिविलेज राइट का अगर जो फायदा उठा रहा है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए, माने उसको पनिशमेंट करना चाहिए या उसको पनिश किया जाना चाहिए। ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसके बाद से इन लोगों ने और ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया कि कोई भी बंदा हो, माने कोई भी राजा हो, उसको प्रिविलेज राइट नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई भी पोस्ट पर कोई बैठ रहा है तो उसको मेरिट के अनुसार, माने मेरिट के बदौलत ही बैठना होगा। अगर उसके अंदर मेरिट नहीं है तो वो नहीं बैठ सकता, अगर उसके अंदर उतना क्वालिटी नहीं है तो वो नहीं बैठ सकता। तो यहाँ से अब विरोध होना शुरू हो गया। यहीं से निकलते हैं दो फिलोसफर जिनका नाम है, एक का नाम है जॉन लॉके और दूसरे का नाम है जीन जॉकी रूसी। ये दो फिलोसफर भी, इनका भी आइडियोलॉजी सेम था और इन दोनों का जब मिलन होता है तो और ज़्यादा बातें आगे बढ़ती हैं। जॉन लॉके का कहना है द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इनकी जो फिलोसफी है द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने कहा कि किसी भी राजा को देवी देवता जैसे पूजने की बात नहीं होनी चाहिए या उनको जो जन्मसिद्ध अधिकार मिला है वो भी नहीं होना चाहिए। माने इसको खत्म करने के बारे में, माने मोनार्ची को खत्म करने के बारे में इन लोगों ने अब विचार करना शुरू कर दिया। ये रूसे ने कहा कि यार द स्प्रिट ऑफ लॉज इन्होंने एक बुक लिखा था, उसमें कहा कि जो अमेरिका था वो ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद अपने देश में जो रिपब्लिक कंट्री या डेमोक्रेसी कंट्री के माने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की जो एस्टेब्लिश किया है उसी का कॉपीराइट फ्रांस में भी होना चाहिए। मतलब लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, ज्यूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, इस टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए और ये गवर्नमेंट सबके लिए बराबर होनी चाहिए। किसी को प्रिविलेज राइट नहीं मिलना चाहिए जो अपर क्लास और लोअर क्लास में भेदभाव करें। एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हर कैटेगरी के लोग को इक्वली ट्रीट करे। तो इन लोग फिलोसफर ने अलग अलग तरीकों से अब लोगों को अवेयर करना शुरू किया। अब ये लोग आर्टिकल लिखवाना शुरू किए पेपर में, अलग अलग बुक छपवाना शुरू कर दिए और लोगों में फैलाना शुरू कर दिया। लोगों में फैलाने का काम तो करते ही थे, कम प्राइस में लोगों को दिया भी करते थे और ऐसे भी दे देते थे।
अब आप सोच रहे हो कि उस टाइम लोग जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनको कैसे पता चलता होगा। तो ये लोग क्या करते थे कि एक कॉफी शॉप था, वहां पे बहुत ज्यादा जमावड़ा लगाते थे और वहां पे जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी बुलाते थे और ये लोग खूब चिल्ला चिल्ला कर उस बातों को पढ़ते थे जो सरकार के खिलाफ था और उन लोगों को सुनाते थे ताकि वो लोग सही से समझ जाएं और सरकार के खिलाफ ये लोग भी आ जाएं। अब यहाँ पे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि आप भी देखे होंगे कि हमारी सोसाइटी में भी होता है, ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स की बात होती है वो कहाँ बात होती है, या तो स्कूल में बात होती है, या दो चार टीचर खड़े हैं वहाँ बात होती है, या पान के दुकान पे बात होती है, या कॉफ़ी शॉप के दुकान पे, कॉफ़ी शॉप कहना बहुत गलत होगा, चाय के दुकान पे बात होती है, या कहीं होटल में पकौड़ी खा रहे हैं लोग तो वहाँ भी बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में कि बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है कि नहीं आने वाली है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, या योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है। तो ये सारी बात आप अपनी सोसाइटी में भी देखते हो, या चाय के दुकान पे देखते हो, या आप स्कूल में भी देखते हो कि बहुत कुछ लड़के होते हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के रहेंगे, इस बार मोदी जी को हटा के रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा रहा है। तो ये सारी बात आप आसपास भी देखते हो। सेम टू सेम ये बात फ्रांस में भी हो रही थी और ये बात हो ही रही थी, बस लुई 16 ने फिर से टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ने से सारे लोग आग बबला हो गए, उन्होंने कहा कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा और यहीं से शुरुआत होती है फ्रांस की क्रांति, माने फ्रांस की जो रिवोल्यूशन है अब यहीं से शुरुआत होती है। तो देखो चैप्टर का जो बैकग्राउंड है अब यहां खत्म होता है, अब फ्रांस की जो रिवोल्यूशन है अब यहां से शुरुआत होती है लुई 16 के खिलाफ। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से मैं समझा पाया। थैंक यू वेरी मच।